जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और पार्ट अपना 14 है, 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो भाई भी आप देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं, आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। और आपके लिए एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ऐड कर दिया जाता है। वहीं पर आपके लिए PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहीं पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जिसको भी चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना है तो वह बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बद्रीनाथ अवस्थित है। चार विकल्प हैं, कुमाऊं हिमालय में, या मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, या ट्रांस हिमालय में। इस प्रकार चार विकल्प हैं, आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि कुमाऊं हिमालय में। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है। बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत बलित पर्वतमाला कौन सी है। तो यहाँ पर बलित पर्वतमाला बताना है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी। तो क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि अरावली। अरावली, हाँ बिल्कुल सही, अरावली आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीन पर्वत है और यह संसार की सबसे प्राचीन श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर तीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो क्या है इसका सही आंसर, 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर, 9000 मीटर। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, इसकी कुल ऊंचाई है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है, 8848 यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है यह किन दो राज्यों को जोड़ता है, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक केरल। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर अपना चार है और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर एक, केरल तमिलनाडु, यह आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक। देखिए, पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख बड़ा दर्रा है और प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा दक्षिण भारत की मध्य केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्या होगा इसका सही आंसर कि गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपू। क्वेश्चन नंबर पांच है और पांच का यहाँ पर राइट आंसर है पद्मा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसको पद्मा नाम से जाना जाता है और राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा निकलकर मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, नदिया, हुगली और कलकत्ता होती हुई पश्चिम दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जो भागीरथी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी स्रोत है तो कौन सी नदी का है, यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर छह है अपने यहाँ पर, ताप्ती नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर छह है और छह का राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी, यानी कि चंबल नदी का। कौन सा, जानापा। जानापा जो पहाड़ी स्रोत है यह चंबल नदी का है और यह देखिए चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और इसे जानापा पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवती है, यह भी आपके लिए याद रखना है। इसका प्राचीन नाम क्या है, चंबल का, चरमवती। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें छिप्रा काली सिंध और कुनू नदी, इनकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसको कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों के मध्य है तो वह बताना है कौन से दो राज्यों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर सात है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है इसका सही आंसर, कावेरी नदी
जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों की मध्य है, तो वह दो राज्य हैं कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनके मध्य कावेरी जल विवाद है। देखिए यहाँ पर कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद है। इसे विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। यह याद रखना है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होंगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। इसे और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही कथन है सिवाय सिवाय, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय वह कौन सा है जो सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। यह जो कथन है कैसा नहीं है, यह सही नहीं है, और जो ये कथन है जो यह सही आंसर होंगी। तो इस प्रकार निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सही कथन सभी सही हैं सिवाय एक नहीं है, तो वह है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। जो महाकालेश्वर मंदिर है यह कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वल्लंगू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में वल्लंगू जंगबो जो नदी है किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र या महानदी? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है अपने यहाँ पर। चार विकल्प भी दिए गए हैं, और क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वल्लंगू जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है, जहां इसे क्या कहते हैं? या लुंग तसंगपो यह कहा जाता है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी जो है यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 10 है, और 10 का जो राइट आंसर है वह बताना है। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल विकल्प नंबर 1, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर आपका सही आंसर है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह चिनाब जो नदी है इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, सेलेरू, तुंगभद्रा, कृष्णा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका डी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा कृष्णा, याद रखिए विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक भारत में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर अपना है यहाँ पर 12। कोलेरू झील है किस राज्य में है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश है आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। हाँ, कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह एक अंडाकार छिछली झील है, वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यह झील अनेक स्वांतों द्वारा भरती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, ताप्ती, शरावती, नर्मदा, इंद्रावती? हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर है नर्मदा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नर्मदा जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय महाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है, और यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है।
उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है और यह उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। यह आपके लिए याद रखना है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसकी जो मध्य प्रदेश में है वह कितनी है 1077। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो बताइए कौन से दो राज्य हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं इस परियोजना से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, यह आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कहाँ पर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर एक, जोग प्रपात पर, जोग जलप्रपात है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक। यहाँ पर देखिए जोग को गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है और सरस्पा भी कहा जाता है। यह शिवमोगा कर्नाटक से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एशिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। जाने जाने वाला जोग प्रपात जो है कर्नाटक का मुख्य पर्यटक स्थल और आकर्षण का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है तो कौन सी नदी है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा? क्वेश्चन नंबर अपना 16 है और 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह बताना है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर है क्या है? कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना है तो वह है कौन सी? कृष्णा नदी। याद रखना है कृष्णा आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलगोंडा जिलों की सीमा पर नंदीकोड ग्राम के पास नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, सभी लोग आंसर बताएंगे तो बताइए जल्दी से क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना 17 है और 17 का राइट आंसर है डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियां, कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का राइट आंसर है कोरोमंडल तट विकल्प नंबर डी। बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अक्टूबर नवंबर के माह में सर अधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। और देखिए कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य दक्षिण भारत है और लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो चार विकल्प हैं, 21.23%, 23.03%, 23.81% या 24.56%। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। बिल्कुल सही, डी में है आपका 24.56% आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र यहाँ पर है कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर एक, मैनग्रोव वन विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हाँ अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने यहाँ पर और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर।
भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार बताना है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पाई जाती हैं 8 प्रकार। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी है, और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24% भाग पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुर मृदा बताना है, रेगुर मृदा बताना है मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है कपास। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटाश की बालुता होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा अच्छी होती है। और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरल में, या उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, केरल यहाँ पर राइट आंसर है। लैटेराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह प्रायः उन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है, और इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, यह देखिए क्या क्वेश्चन की उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो बताइए वह कौन सी खाद्य फसल है, खाद्य फसल बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो वह देती है चावल, खाद्य फसल है चावल। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए धान के बीज, जो चावल धान के बीज रहते हैं उनको चावल कहते हैं। धान से ऊपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत के प्रमुख रूप से खाए जाने वाला अनाज है। और भारत में भात, खिचड़ी सहित काफी सारे पकवान बनते हैं इससे चावल के। और चावल का चलन दक्षिण भारत और पूर्वी दक्षिणी भारत में उत्तर और भारत से अधिक है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। 4 विकल्प है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका सही आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विकल्प नंबर एक, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, और गन्ना एक लंबी अवधि उच्च पानी और उच्च पोषक की तत्व की मांग करने वाली फसल है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो नहीं बताना है कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, 26 चावल, गेहूं, गन्ना या कपास। तो कौन सी फसल जो है खरीफ की नहीं है, तो वह नहीं है, कौन सी नहीं है, गेहूं। गेहूं यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, गेहूं। देखिए खरीफ फसलों में यहाँ पर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 27 है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है तो आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में, झांसी में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि कानपुर। हाँ बिल्कुल सही, कानपुर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, कानपुर याद रखना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान संपादन भारत सरकार के अधीन चन्हिल संस्थान है। यह कानपुर में स्थित है, कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई है। तो कौन सी है, रबड़, नील, कॉफी, चाय। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि नील। नील आपका सही आंसर। भारत में निम्नलिखित में ऐसी कौन सी फसल सबसे पहले शुरू की गई, बागान फसल बताना है, तो नील आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 29 है और चार विकल्प दिए गए हैं कि चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई? तो बिल्कुल सही है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चेन्नई के पास कलपक्कम में बंगाल की खाड़ी के किनारे लोगों की नजरों से दूर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक उस हाईटेक स्टोव को शुरू करने के अंतिम चरण में है जिसके निर्माण में 15 साल से ज्यादा का समय लग गया है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यह एक नया परमाणु रिएक्टर की तरह अक्षय पात्र है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? क्वेश्चन नंबर 30 से अपना सभी लोग जल्दी से आंसर बता दें इसका, क्या होगा इसका राइट आंसर? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कपास गुजरात, यह राइट आंसर है। कपास गुजरात कमीशन क्षमता जो है मेगावाट है, 645 मेगावाट, ये आपके लिए याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पर कवास, सॉरी कवास है, कवास आपका सही आंसर है, कवास गुजरात, कवास गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर है, कपास नहीं है, कवास गुजरात। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं, आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। आपके लिए PDF वहीं पर उपलब्ध कराए जाते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपके लिए ज्वाइन मेंबर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। तो आप ज्वाइन मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, वहां पर भी आपके लिए PDF उपलब्ध कराए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।